रतलाम के कसारा बाजार क्षेत्र के दंपत्ति को गुजरात के भुज में 12,10,000 रुपए के नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं गुजरात में हुई इस कार्रवाई के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आई और दंपत्ति के घर पहुंचकर छानबीन की। यहां से पुलिस ने नकली नोट के साथ नोट छापने के प्रिंटर सहित अन्य सामग्री भी बरामद की है। वहीं इस मामले में एसपी गौरव तिवारी ने बताया कि घर की तलाशी के दौरान पुलिस को घर के अंदर से 2,000 और 500 के 5 नकली नोट मिले हैं। पुलिस को घर के अंदर से प्रिंटर, स्याही, कॉटरेज, नोट गिनने की मशीन और नोट पर नंबर छापने की सील भी मिली है। इसे पुलिस ने जब्त कर लिया है।